हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति शर्मा और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और हमेशा खुश रहें, तो ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लेकर आई हूँ 5 ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 ब्यूटी टिप्स बताने वाली हूँ जिनको कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी और आप हमेशा सुंदर बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का अपडेट वहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। और तो आज का हमारा वीडियो है 5 ब्यूटी टिप्स। तो जिसका फर्स्ट टिप है, तो पहला ब्यूटी टिप है, रात को सोने से पहले आपने अपने फेस पे जो भी मेकअप लगाया है उसको रिमूव करके सोएं, उसको अच्छे से क्लीन करके सोएं, जिससे कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपने यूज़ किया अपने फेस पे वो आपके स्किन को इफेक्ट ना कर सके। अगर आप मेकअप के साथ ही सो जाते हैं तो जो आपका स्किन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है मेकअप से, और मेकअप प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जिससे कि हमारी स्किन इफेक्ट होती है और हमारी स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं और हमारे स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी धीरे धीरे डल होता जाता है। तो अपने मेकअप को अच्छे से क्लीन करके सोएं। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को मैंने यहाँ पे ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये है सेकेंड टिप, हफ्ते में एक बार आप हेड मसाज जरूर लें, हेड मसाज जरूर करें किसी भी ऑयल से, जो भी ऑयल आपको सूट करता है आपके हेयर्स को, उस ऑयल को हल्का सा वार्म करके आप, या उसमें आप 3 और 4, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो को मैं आई बटन में दे दूंगी, आप 3 और 4 ऑयल भी अलग अलग जो अच्छे अच्छे ऑयल्स हैं उनको मैंने यूज़ करके वहाँ पे दिखा रखा है कि आप उनको कैसे मिक्स करके वहाँ अपने हेड मसाज अगर आप लेंगे तो आपके जो हेयर हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और हेयर फॉल भी आपका कम होगा और जो आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है वो भी नहीं होगी। तो इसके लिए आप वंस इन अ वीक हेड मसाज जरूर लें, खुद से करें या अगर आप किसी से करवा सकते हैं तो जरूर करवाएं। तो हेड मसाज और बिफोर हेयर वॉश आप हेड मसाज जरूर लें, और अगर आप नाइट में लेते हैं और मॉर्निंग में आप हेयर वॉश करते हैं तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, उससे आपको कभी भी आपका जो हेयर फॉल है वो नहीं होगा और ही हेयर ग्रोथ आपका अच्छा रहेगा, हेयर वॉल्यूम आपका अच्छा रहेगा और जो हेयर में जो शाइनिंग होती है वो आपकी जो चमक है बालों की वो हमेशा बनी रहेगी। तो उसके लिए आपको वंस इन अ वीक हेयर मसाज देना बहुत जरूरी है। तो थर्ड हमारा ब्यूटी टिप्स है लिप्स। लिप्स को क्लीन रखना भी बहुत जरूरी है, लिप्स की ब्यूटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लिप्स से ही हमारी जो स्माइल है वो दिखती है और अगर लिप्स हमारे अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, तो जो हम लिपस्टिक यूज करेंगे वो भी सुंदर लगेगी और हमारी जो स्माइल है वो बहुत अच्छी लगेगी और आप बहुत सुंदर दिखेंगे। तो इसके लिए आपको अपने लिप्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप अपने लिप्स का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक लिप स्क्रब दिखाया है, वो भी मैं ऊपर आई बटन में देने वाली हूँ, तो वहाँ से जाके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अगर आप वंस इन अ वीक लिप स्क्रब जरूर करें, अपने लिप्स को क्लीन रखें और जो भी आप लिपस्टिक यूज़ करते हैं अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक यूज़ करें और बहुत ज़्यादा लिपस्टिक ना यूज़ करें, और जब भी यूज़ करें तो अच्छे ब्रांड की ही लिपस्टिक यूज़ करें। और लिपस्टिक लगाने से पहले आप अपने जो लिप्स हैं उनको मॉइस्चराइज जरूर कर लें, लिप बाम का जरूर यूज़ करें बिफोर लिपस्टिक। मॉइस्चराइज करने के लिए आप लिप बाम का यूज़ कर सकते हैं और लिप बाम जो भी बेस्ट हैं उसके भी मैंने ऊपर वीडियो बना रखा है, आई बटन में मैं दे दूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ और जो मुझे बहुत पसंद आता है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो अगर आप अपने लिप्स को डेली मॉइस्चराइज करते हैं, लिप बाम यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपके लिप्स सॉफ्ट रहेंगे, स्मूथ रहेंगे और मॉइस्चराइज रहेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे 4 टिप की। तो 4 टिप है ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएं और पर डे आप 3 से 4 लीटर वाटर जरूर पिएं। पीने की कोशिश करें, अगर आप नहीं पी पा रहे हैं तो पहले 1 लीटर 2 लीटर करके आप धीरे धीरे अपने इस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और 3 से 4 लीटर अगर आप पर डे का पीते हैं तो वाटर हमारे स्किन की ग्लोइंग में बहुत हेल्प करता है
और स्किन से जितनी प्रॉब्लम होती है, स्किन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को वाटर रिड्यूस करता है। वाटर हमारी जो बॉडी में बैक टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करता है, रिड्यूस करता है, हमारी जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं और जो एक्ने की प्रॉब्लम होती है या पिंपल्स होते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को, स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वाटर अगर हम अच्छी मात्रा में लेते हैं, अच्छे से पीते हैं पूरे दिन भर में, तो वाटर इन सभी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है और ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं और जो हमारा स्किन है वो बहुत अच्छे से ग्लो करता है, हमारी स्किन क्लीन रहती है। तो हमारा लास्ट और फिफ्थ टिप है, क्लीन योर फीट एंड मसाज योर फीट। अपने जो फीट हैं उनको भी क्लीन रखें, क्योंकि हमारे जो फीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते जाते हैं और फटने लग जाते हैं और हम उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं। अपने हम डेली इतने बिजी शेड्यूल होता है कि हम उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, ना उनकी मसाज कर पाते हैं ना। तो अपने फीट का भी ध्यान जरूर रखें, अच्छे से उनको क्लीन रखें और मसाज जरूर करें वंस इन अ वीक, जिससे कि आपके फीट जो हैं वो सुंदर दिखेंगे और ड्राई नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उनकी मसाज करेंगे तो वो मॉइस्चराइज रहेंगे और बहुत सुंदर दिखेंगे। तो ये था मेरा फिफ्थ ब्यूटी टिप। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक कर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।